कपकोट में दोपहर दूरसंचार के खंभे से कैंटर के टकरा जाने से काफी देर तक यातायात बाधित हो गया। टक्कर के कारण दूरसंचार का खंभा सड़क की तरफ झुक गया। इस घटना के बाद काफी देर तक बिजली व संचार व्यवस्था भी बाधित रही। वेतन व ईपीएफ की मांग को लेकर जल संस्थान के कर्मचारियों ने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया तथा समस्याओं के निदान की मांग की। जल संस्थान के कर्मचारियों ने कहा कि पूर्व में इन समस्याओं के निदान को लेकर लिखित आश्वासन दिया गया था, उसके बाद भी उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का निदान नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। कपकोट पुलिस ने 5 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ नेपाली मूल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि नेपाली मूल का व्यक्ति रत्न बहादुर थापा रीमा किरौली में 5 लीटर अवैध शराब बेचने की नियत से ले जा रहा था। पुलिस ने उसे आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने आगामी 11 जून और 9 जुलाई को आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से चर्चा की है। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में आयोग अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बायोमेट्रिक उपस्थिति सहित प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन से चर्चा की। जिलाधिकारी अनुराधा पाल, पुलिस अधीक्षक हिमांशु वर्मा ने परीक्षाओं की तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। बागेश्वर पुलिस को जोश, जुनून और जज्बे से लबालब 66 नए आरक्षी मिल गए हैं। पुलिस अधीक्षक हिमांशु वर्मा ने महिला और पुरुष आरक्षियों नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान पुलिस के उच्च अधिकारियों ने भी नव नियुक्त आरक्षियों को कई दिशा निर्देश जारी किए।